अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेके बोपी की थ्रू जो यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है बीई बीटेक, वो किस किस कॉलेज में होता है, कैसे आपने फॉर्म फिल करना है क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है एंट्रेंस का, तो अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगी कौन कौन सी कॉलेज मिल सकती है। यहाँ पर दो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जीसीटी जम्मू, जीसीटी कश्मीर, बाकी प्राइवेट कॉलेज भी हैं, तो इन सब कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, हर कॉलेज में टोटल सीट्स कितनी है, एलिजिबल कौन कैंडिडेट्स रहने वाला है, तो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और आपकी एंट्रेंस डेट क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है वो किस हिसाब से होता है। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी थी, जो भी कैंडिडेट्स बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर इन टेक्नोलॉजी बीई या बीटेक कोर्सेज 2023 किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उनके लिए यहाँ पर पहले से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आप कैंडिडेट्स को क्या करना था, 4 अप्रैल से लिंक ओपन हो चुकी थी आपके लिए, 20 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जितने कैंडिडेट्स बीई बीटेक जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट कॉलेज में करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनके लिए 24 अप्रैल लास्ट डेट है। आपको जब फॉर्म फिल करना है 1000 रुपीज आपने पे करना है। फॉर्म फिल करने के लिए जो चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी, 100 to 200 KB, एक तो डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या यूटी ऑफ लद्दाख, एक तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 12th का क्लास का, अगर जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनकी अभी नीड नहीं है, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपको मैट्रिक के बाद मिलता है, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो वो रिजर्व्ड कैटेगरी होनी चाहिए, TFW सर्टिफिकेट, जिन कैंडिडेट्स की ईयरली इनकम 4.5 लाख से कम होती है तो वो इसमें भी एलिजिबल है, क्योंकि हर प्रोग्राम में आपको 2, 3 या 5 सीटें इसमें मिल जाएंगी। एलिजिबल कौन कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा देख लो, जो भी स्टूडेंट डोमिसाइल ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर है या यूटी लद्दाख है वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या है, अगर 12th पास है और उसका 12th पास जो है वो किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ में, तो उसके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी होना चाहिए, और इसको अगर 12th में 45% मार्क्स हैं, अगर किसी कैटेगरी में है तो अगर 40% मार्क्स हैं तो वो बंदा एलिजिबल है। तो जिन कैंडिडेट्स का भी रिजल्ट पेंडिंग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैंडिडेट्स जिनका यहाँ पर 12th का रिजल्ट पेंडिंग है जो 2023 में अभी यहाँ पर जिन्होंने एग्जाम दिया वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो जैसा कि हम कॉलेज की बात करें, पहले कॉलेज GCET जम्मू जो है वो यहाँ पर आ जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू, GCET गांधरबल कश्मीर, ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एंड फिर आपका प्राइवेट कॉलेज आता है मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो जम्मू में है, फिर MBS कॉलेज जम्मू की, SSM कॉलेज पटन में है, योगानंदा कॉलेज जम्मू की, फिर भार्गवा कॉलेज जो है सांबा की, ये 7 कॉलेज हैं जहां पर आप एलिजिबल हो जाओगे इस एंट्रेंस फॉर्म भरने के बाद, आप एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जिस हिसाब से आपको पॉइंट होंगे उस हिसाब से फिर आपको कॉलेज मिलेगी। जैसा कि फॉर्म करने की लास्ट डेट 24 अप्रैल है और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 28 मई 2023 को होगा, तो इसलिए आपने प्रिपेयर होना है बहुत जल्दी। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका पेपर पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है वो यहां पर आप देख लो। देखो, आपको टोटल 180 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सिंगल पेपर में होंगे, 3 सेक्शंस होंगे, एक फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा, एक मैथ होगा, हर एक से आपको यहाँ पर 66, जैसा फिजिक्स से 60, केमिस्ट्री से 60, मैथमेटिक्स से 60, टोटल आपको 3 आवर मिलेगा, हर एक करेक्ट पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने गलत किया आपको हर गलत पर 0.25 जो है वो कट किया जाएगा। जैसा कि कोई कैंडिडेट्स अगर टोटल एग्जाम्पल के तौर पर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, 100 के 100 करेक्ट हैं तो उसको 100 मार्क्स मिलेंगे, अगर कोई स्टूडेंट्स टोटल 120 करता है, 120 में से उसको 100 करेक्ट हैं मगर उसने 20 का तुक्का लगाया था, मगर 20 के 20 जो हैं वो उसको क्या हो चुके हैं, एवी खराब हो गए, तो उसको 0.25 के हिसाब से कटिंग होगी जो उसको यहां से 5 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। जिसने 120 किए थे, 100 सही किए थे मगर उसको 5 माइनस हो जाएंगे तो उसको 95 मार्क्स बनेंगे। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाकी अटेम्प्ट ही नहीं करेगा तो उसको वहां पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो ऐसे ही रहेंगे। तो आपका पेपर पैटर्न जो है वो इस हिसाब से रहने वाला है। अब हम थोड़ा सिलेबस देखते हैं, उसके बाद सीट देखते हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट है, फिर किस कॉलेज की कितनी फीस है। जैसा कि हम पहले फिजिक्स देखें, आपके टोटल 60 मार्क्स, तो आपका फिजिकल वोल्ट इन मेजरमेंट 2 मार्क्स का, काइनेमेटिक 3 मार्क्स का, लॉज ऑफ मोशन 2 मार्क्स का, वर्क एनर्जी इन पावर जो है 2 मार्क्स का, मोशन ऑफ सिस्टम जो है 2 मार्क्स का, ग्रेविटेशन 2 मार्क्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 2 मार्क्स का, थर्मोडाइनमिक 2 मार्क्स का, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस का यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी 2 मार्क्स की, ऑसिलेशंस एंड वेव्स 4 मार्क्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4 मार्क्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 मार्क्स की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 5 मार्क्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है 4 मार्क्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 2 मार्क्स का, ऑप्टिक्स 7 मार्क्स का, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 2 मार्क्स का, यूनिट 18 जो है एटम्स वगैरह का 3 मार्क्स का, यूनिट 19 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो आपको 4 मार्क्स की आएंगी, एंड यूनिट 20 कम्युनिकेशन सिस्टम 2 मार्क्स का।
ऐसे केमिस्ट्री की बात करें टोटल 60 मार्क्स। पहला यूनिट आपका केमिकल अर्थमेटिक 3 मार्क्स का, केमिकल इक्विलिब्रियम सेकंड यूनिट 4 मार्क्स का, एंड थर्ड यूनिट जो है वो आपको 2 मार्क्स का, फोर्थ जो है 2 मार्क्स का, फिफ्थ जो है 4 मार्क्स का, सिक्स जो है 3 मार्क्स का, सेवन जो है वो आपको 4 मार्क्स का है, सॉलिड स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह। सरफेस केमिस्ट्री 2 मार्क्स का, पीरियडिक प्रॉपर्टीज 2 मार्क्स का, केमिकल बॉन्डिंग 4 मार्क्स की, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स 4 मार्क्स का, यूनिट 12, यूनिट 13 4 मार्क्स का, हाइड्रोकार्बन 3 मार्क्स का, यूनिट 16 2 मार्क्स का, 17 3 मार्क्स का, 18 3 मार्क्स का, 19 3 मार्क्स का, एंड 20 3 मार्क्स का। ऐसी मैथमेटिक्स का देखें आप, सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस 6 मार्क्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह 6 मार्क्स का, सीक्वेंस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम 6 मार्क्स का, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 मार्क्स का, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपका 4 मार्क्स का, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन 8 मार्क्स का, एंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 7 मार्क्स का, स्ट्रेट लाइंस एंड कॉनिक सेक्शन 5 मार्क्स, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स। तो ये था आपका सिलेबस। अब हम कॉलेज वाइज सीट देखेंगे। देखो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो बलवाल जम्मू में है, GCET जम्मू, इसमें सिविल इंजीनियरिंग की 60, ENC इंजीनियरिंग 60, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 60, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60। तो टोटल इनटेक कैपेसिटी जो है वहाँ पर 300 है, तो जिसमें आपको 33 जो है TFW कैंडिडेट्स को मिलेंगी सीट्स। तो टोटल आपको 63 पर यहाँ पर कोर्स है। ऐसे ही अगर आप देखें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गांधरबल GCET यहाँ पर गांधरबल, आपकी सभी यहाँ पर जो भी हैं 60 इनटेक कैपेसिटी है सेम जैसे जम्मू की है, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो टोटल यहाँ पर भी 300 सीट्स हैं। फिर आपकी प्राइवेट कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आप देखना कॉलेज वाइज फीस भी कितनी है। मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है जम्मू में, इसमें इनटेक कैपेसिटी अगर आप देखें तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में 120, ENC आपकी 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 60, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 60। टोटल 480 सीट्स हैं इस प्राइवेट कॉलेज में। फिर MBS कॉलेज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है जम्मू में, इसके भी प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पर भी आप देखें 60 हैं सिविल में, ENC में 30 हैं, मैकेनिकल में 60 हैं, कंप्यूटर में आपको 60 हैं, इलेक्ट्रिकल में 60 हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 30 हैं। टोटल 300। SSM कॉलेज जो है पटन में बारामूला, तो वहां पर आप देखें सिविल इंजीनियरिंग की 180, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 120, ENC की 120, कंप्यूटर की 120, इलेक्ट्रिकल की 120। टोटल 660 इनटेक कैपेसिटी है यहाँ पर। TFW कैंडिडेट्स के लिए 33 टोटल सीट्स हैं। योगानंदा कॉलेज जो है जम्मू में, सिविल में 120, मैकेनिकल में 120, कंप्यूटर में 120, इलेक्ट्रिकल में 60। टोटल 420 सीट्स हैं। सांबा में है भरगावा कॉलेज, उसमें आप देखें सिविल इंजीनियरिंग में 60, मैकेनिकल में 60, कंप्यूटर में 30, इलेक्ट्रिकल में 60, ENC में 60। टोटल 270 सीट्स हैं। अब जैसा कि हमने देखा था किसी में 5, किसी में 3 TFW की सीट्स थी। TFW का मतलब होता है ट्यूशन फी वेवर। ऐसा कैंडिडेट जिसकी फैमिली इनकम जो है सभी सोर्सेज से 4.5 लाख ईयरली उससे कम बनती है, तो वो कैंडिडेट्स अपना इनकम सर्टिफिकेट देकर TFW सीट्स ले सकते हैं। अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखें, फी क्या रहने वाली है पर सेमेस्टर, GCET जम्मू में जो भी कैंडिडेट जिसने जेके बोस से पास किया होगा उसको 22,440 फीस होगी। जिस कैंडिडेट ने जेके बोस के अलावा किसी और में किया होगा उसको 1,000 एक्स्ट्रा होगी, 23,240। तो GCET गांधरबल में आप देखें जिस कैंडिडेट ने भी जेके बोस से पास आउट किया होगा 12th, उसको 12,340, जिस कैंडिडेट ने जेके बोस के अलावा कहीं और किया होगा 13,140। तो यहाँ पर इस फीस में थोड़ी बहुत चेंजिंग भी आ सकती है। फिलहाल यही फीस है, जब गवर्नमेंट चाहे तो कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग ला सकती है। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप देखें MIAT जो यहाँ पर जम्मू वाली थी 62,400, SSM जो है पटन वो 45,000, एंड जो MBS जो जम्मू में है उसकी 45,000, YCET जो जम्मू में है उसकी 45,000, BCET जो है बरगावा कुछ कॉलेज थी उसका 48,000। तो यहाँ पर ये फीस स्ट्रक्चर है इन कॉलेज का। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि जो स्टूडेंट भी जेके बोपी के थ्रू अपना ये इंजीनियरिंग एग्जाम देगा उसको कौन कौन सी कॉलेज मिल सकती है, किस कॉलेज की फीस कितनी है, किस कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इस एंट्रेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, सब कुछ डिटेल में आपको मैंने बता दिया। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।